फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 बीटा चैनल के लिए कुछ अपडेट को प्रोवाइड किया। इस अपडेट के साथ 99% फिक्स करने का कोशिश किया। बहुत सारा कुछ बग आ रहा था बीटा चैनल पे, वो सारा कुछ फिक्स करने का कोशिश किया इस अपडेट के साथ। तो इस अपडेट का बुइंग नंबर है 22623.1028 KB50218666। तो ये सारा कुछ बुइंग नंबर से क्या कुछ नया और क्या कुछ फिक्स करने का कोशिश किया विंडोज 11 बीटा चैनल पे, मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते। तो इस तरह कुछ अपडेट के साथ फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 बीटा चैनल पे जो फिक्स करने का कोशिश किया वो है सिस्टम ट्रे डिजाइन अपडेट। अगर आपको विंडोज 11 बीटा चैनल पे वहाँ पर ऑटो हाइट टास्क बार सिलेक्टेड है तो ऑटो हाइट टास्क बार अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बहुत सारा दिक्कत आ रहा था। ऑटो हाइट टास्क बार से अगर आप कुछ ऐप्स को ओपन करते हो वहाँ पर मिनिमाइज करके रखते हो ना, तो वहाँ पर कुछ दिक्कत आ रहा था। तो ये सारा कुछ फिक्स करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 बीटा चैनल पे ये सारा कुछ अपडेट देने के बाद। और माइक्रोसॉफ्ट ये सारा कुछ अपडेट देने के बाद जो कुछ फिक्स और जो कुछ अपडेट को प्रोवाइड किया ज़्यादातर ये है 2-in-1 पीसी और टैबलेट मोड विंडोज 11 के लिए है। तो सेकेंड जो माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट के साथ फिक्स करने का कोशिश किया वो है, अगर आप विंडोज 11 को टैबलेट मोड पे यूज़ करते हो तो वहाँ पर टैबलेट मोड पे टास्क बार में बहुत सारा कुछ फीचर्स पा सकते हो। अब इसके लिए आपको विंडोज 11 स्टार्ट मेनू में क्लिक करने का कोई जरूरत नहीं। विंडोज 11 टैबलेट मोड पे अभी टास्क बार को एक्सटेंड करने का एक फीचर्स आ गया। इसके साथ आप विंडोज 11 का टास्क बार को टैबलेट मोड में आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको स्टार्ट ऑप्शन में क्लिक करने का कोई जरूरत नहीं। और विंडोज 11 के साथ 2-in-1 पीसी में एक दिक्कत आ रहा था, वहाँ पर टैबलेट मोड और डेस्कटॉप मोड पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पर टास्क बार का जो पोजीशन है उसी पोजीशन में वो प्रेजेंट नहीं हो रहा था, तो अलग पोजीशन में शायद हो सकता है स्क्रीन का मिडिल में टास्क बार आ गया, इसका पोजीशन अच्छा नहीं हो रहा था। ये सारा कुछ पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। अगर आप विंडोज 11 डेस्कटॉप मोड से टैबलेट मोड जाते हो तो वहाँ पर एक बहुत सारा कुछ एनिमेशन आ जाता है, तो इस एनिमेशन को भी इम्प्रूव करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है टैबलेट मोड का वो भी इम्प्रूव करने का कोशिश किया ये अपडेट देने के बाद। कुछ विंडोज 11 बीटा चैनल पे ये दिक्कत आ रहा था कि वहाँ पर ऑल्टर F4 ये स्विच को पेश करने के बाद वहाँ पर टास्क बार फ्लोटिंग कर रहा था, तो इस ऑप्शन को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। और विंडोज 11 लैपटॉप के साथ बैटरी आइकन टोल टिप करके एक फीचर्स ले आया। इसके साथ आप देख सकते हो कि आपका विंडोज 11 लैपटॉप का बैटरी कितना परसेंटेज चार्ज हो रहा है, चार्जिंग स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, वो सारा कुछ आप जान सकते हो इस आइकॉन से। अगर आपको विंडोज 11 बीटा चैनल डेस्कटॉप और लैपटॉप में आप सेटिंग किया हुआ पर स्लीप मोड, तो स्लीप मोड नहीं जा रहा था, आप स्लीप मोड को पूरी तरह से ऑफ किया, उसके साथ भी आप देख पा रहे हो कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद आपको पीसी स्लीप मोड जा रहा था। अगर आपका लैपटॉप के साथ चार्जिंग ऑन है या बैटरी मोड में आपका लैपटॉप चल रहा है तो भी वहाँ पर ए ऑप्शन आप देख सकते हो कि वहाँ पर स्लीप मोड ऑटोमेटिकली चल जा रहा था। तो ये था विंडोज़ का बग, तो इस बग को पूरी तरह से फिक्स्ड किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। और विंडोज 11 का टास्क मैनेजर में जो कलर है अभी आप कस्टमाइज ऑप्शन को पा सकते हो, इस कस्टमाइज ऑप्शन से आप खुद से इस तरह को सेट कर सकते हो। अगर आपको डार्क चाहिए तो डार्क सेट कर सकते हो, आपको लाइट चाहिए तो लाइट वहाँ पर सेट कर सकते हो कलर को। और बुइंग नंबर 22621.1028 22623.1028 ये दो बुइंग नंबर से जो फिक्स करने का कोशिश किया वो है गेम्स एंड एप्लीकेशन, ये फीचर्स में बहुत सारा कुछ चेंज करने का कोशिश किया। अगर आपका पीसी में ग्राफिक्स है और ग्राफिक्स को सेट करने के बाद आप गेम खेल रहे हो, आपका ग्राफिक्स का पोजीशन हिसाब से आपका जितना एक्सपेक्टेड उसका फ्रेम रेट और बहुत सारा कुछ हो सकता है वो सारा कुछ नहीं हो रहा था, आपका ग्राफिक्स अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो ये इशू था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। और भी बहुत सारा कुछ छोटा छोटा फिक्स करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद, मगर जो मेजर था मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल का आईटी न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द को नया वाला वीडियो में। तो टुडेज़ ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।